नमस्कार। इस रेसिपी वीडियो में हम आपको तरी वाले लजीज काले चने बनाना सिखाएंगे, जिन्हें आप घर पर बिना किसी झंझट या परेशानी के बड़े आराम से बना सकते हैं। तो चलिए आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। काले चने बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल रहे हैं। इस तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। तेल के अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल रहे हैं और हम इसे इस जीरे को इसके फूटने तक और इसके सुनहरे भूरे हो जाने तक हमने इसको भूनना है। इसे कड़छी से अच्छी तरह से चला लेते हैं ताकि जीरा अच्छी तरह से भुन जाए। अब हम इसमें 2 से 3 कलियां लहसुन की, जिन्हें हमने मूली कुतरा कर लिया था, उन्हें डाल देंगे और इसे भी कड़छी से अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम इसमें एक मध्यम आकार का प्याज, जिसे हमने मूली कुतरा किया था, वो डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से कड़छी की सहायता से चला लेते हैं। अब हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा मूली कुतरा किया हुआ डालकर इसे भी अच्छी तरह से चला लेंगे। हमने इन सब मसालों को अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ये सुनहरे भूरे ना हो जाएं। आप चाहें तो इन मसालों को पीस कर भी इस तड़के में डाल सकते हैं। मसाला सुनहरा भूरा हो चुका है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी कच्ची होती है, इसलिए हम अलग अलग करके मसाले इसमें डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालकर हम इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें 3 टमाटरों की प्यूरी डाली है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इस प्यूरी को तब तक पकाना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे। जब ये तेल छोड़ देगा टमाटर, तब इसका मतलब है ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। लगातार बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। इसी दौरान हम इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच चना मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालकर ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर पक चुके हैं। अब हम इसमें 1.5 कप उबले हुए काले चने डाल देंगे। इन चनों को हमने पहले ही प्री बॉइल कर लिया था। इसे अच्छी तरह से चला लें। इसी के साथ हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रहे हैं। इससे इसमें धनिया का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा। काले चनों को ढककर थोड़ा सा पका लेंगे। इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। इसे थोड़ा और पकाना पड़ेगा अभी, तो इसको पकने देंगे और लगातार बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए, काले चने बनकर अब तैयार हो चुके हैं। हम आंच को बंद कर देंगे और इसे एक कटोरी में हमने निकाल लिया है। एक बारीक कटे हुए हरे धनिए और हरी मिर्च के साथ हमने इसको परोस दिया है। आप इन काले चनों को चावल या फिर पराठी या चपाती के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और रेसिपी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।